बंगाल रेप केस जिम्मेदार कौन है? हाँ, आज हम सब समझने की कोशिश करेंगे कि असली जिम्मेदार कौन है। आप सबको पता ही होगा बंगाल में आरजी मेडिकल कॉलेज में जो रेप केस हुआ। अच्छा, जिनको नहीं पता है उनको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। 9 तारीख को सुबह 7 बजे बंगाल की आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में एक लड़की की डेड बॉडी मिलता है, जो पेशे में डॉक्टर होती है, जूनियर डॉक्टर होती है। जब बॉडी मिलता है, बॉडी को देखते ही समझ में आ जाता है कि ये रेप करके गला दबा के बहुत गंदी तरह से इनका मर्डर किया गया है। फिर भी जब इस लड़की के घर को कॉल जाता है, इनकी मम्मी पापा को ये बताया जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर दिया। यहाँ पे आनंद फानंद में पुलिस आता है, पुलिस ने छानबीन करता है, वहां पे एक ब्लूटूथ पड़ा रहता है जिसके जरिए ये समझ में आता है कि संजय नाम का कोई एक बंदा है जो सिविक पुलिस था, वो वहां पे मौजूद था और उनका ये कारगरा है। बाद में ये समझ में आता है कि नहीं, ये नहीं था, इसके साथ और भी कई लोग था। जो लड़की का थोड़ा बहुत रिपोर्ट आता है उससे स्टार्टिंग में समझ में आ जाता है कि कई लोगों ने मिलकर इनके साथ रेप किया है, कि एक से ज्यादा लोगों का सीमन उस लड़की की बॉडी में पाया गया है। कोई कोई तो ये बोल रहा है उस लड़की की बॉडी में 150 ग्राम सीमन पाया गया है। 150 ग्राम अगर सीमन पाया जाए तो ये समझ लो कम से कम 18 से 20 लोग उसके साथ गलत काम, जिसको लेके अभी बंगाल में बहुत ज्यादा हंगामा चल रहा है। बहुत सारे पॉलिटिक्स पार्टी अपना रोटी सेकने के लिए इसमें इन्वॉल्व हो चुका है। हाँ भाई, और बहुत जगह पे प्रोटेस्ट चल रहा है कि जस्टिस चाहिए। हाँ, हमें 100% जस्टिस चाहिए। हमारी बंगाल की एक बेटी के साथ आज ऐसा हुआ तो हमें जस्टिस चाहिए। हमारी देश की एक बेटी के साथ ऐसा हुआ तो हमें जस्टिस चाहिए। हमारे देश में रेप केस तो कोई बड़ी बात नहीं रहा, जैसे कि एक आम बात हो गया। सच में भाई, आम। देखो NCRB के रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखा जाए ना, तो 2021 में 32,700 के ऊपर रेप का केसेस दर्ज किया जाता है, 2020 में 26,000 के ऊपर रेप का केस दर्ज किया जाता है, 2019 में 32,000 के ऊपर रेप का केस दर्ज किया जाता है। ये ऑन रिकॉर्ड है। अगर इस हिसाब से भी देखा जाए ना, तो हर दिन 86 रेप का केसेस होता है हमारे देश में जो दर्ज किया जाए। तो हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे इन सब चीजों के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है, असल में जिम्मेदार कौन है, क्या पॉलिटिक्स पार्टी जिम्मेदार है, क्या समाज जिम्मेदार है, क्या हम आप जिम्मेदार है, क्या पुलिस जिम्मेदार है। इन सब चीज को लेके आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और खुद भी समझने की कोशिश करेंगे असल में ज्यादा कौन जिम्मेदार है, और आप लोगों को भी थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा हमारे देश का पुलिस डिपार्टमेंट का। हाँ गाइस, हमारे देश में, हमारे समाज में जो भी क्राइम हो रहा है, जो भी गलत काम हो रहा है, इन सब चीजों का जिम्मेदारी कुछ हद तक मैं हमारे देश का पुलिस को मानता हूँ। देखो, अभी अभी जो रेप केस हुआ, इसका जो विक्टिम, मेन विक्टिम ट्रू के साथ पकड़ा गया, उसका नाम है संजय रॉय, और ये पेशे में एक सिविक पुलिस था। ये एक सिविक पुलिस होने के बाद भी अपने आप को काफी टाइम से ये बता के इंट्रोड्यूस कर रहा था कि मैं फोर्थ बटल पुलिस का एक अधिकारी हूं, और ये बिंदास हॉस्पिटल में जाता था, बंगाल का एक नाम किया हुआ हॉस्पिटल जहां पे ये बिना रोक टोक का जब चाहे तब जाता था, जब चाहे तब आता था, और इसके नाम पे बहुत सारे और भी क्राइम्स है। ये अपनी बीवी के साथ क्या सुलूक करता था, और लड़कियों के साथ क्या सुलूक करता था, ये सब इनके नाम पे क्राइम। अभी ऐसे एक लोग को अपना डिपार्टमेंट पे रखा गया है, पुलिस ने रखा है, पुलिस को पता है कि ये भाई ऐसा है, ये गलत काम कर रहा है, ये चीजें ये कर रहा है, फिर भी अपने डिपार्टमेंट में रखा, उनके लिए कोई एक्शन नहीं लिया पुलिस। ये पुलिस को इनके बारे में एक्शन लेना चाहिए था, और ये ऊपर बताना चाहिए था कि ये गलत आदमी है, ये ऐसे काम कर रहा है, ऐसे काम कर रहा है, ये आगे जाके ये चीजें कर सकता है, ये है। और जो बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ पुलिस के बारे में, देखो पुलिस हमारे देश में ये इसलिए होता है कि हम पब्लिक को सेफ्टी फील कराए, हम पब्लिक को सेफ फील कराए, हम पब्लिक को कंफर्टेबल फील कराए। लेकिन कोई भी पब्लिक को आप जाके पूछो कि आपको पुलिस से सेफ फील होता है, कंफर्टेबल फील होता है, हर इंसान के जबान से एक ही बात निकलेगा कि नहीं, क्योंकि पुलिस देखो पब्लिक के लिए है ही नहीं, पब्लिक के लिए नहीं करता है पुलिस कोई भी काम, नहीं करता है ज्यादातर पुलिस में, हर एक पुलिस की बात नहीं कर रहा हूँ, ज्यादातर पुलिस उनको ये पड़ी है कि कहाँ से मैं हफ्ता वसूलू, कहाँ से मैं घूस का पैसा लू, कहाँ से मैं अपना जेब भरू, और ये सब चीज पुलिस करते हैं। अभी देखो केरला में एक रेप केस हुआ था, वहां पे 4 आरोपी पकड़ा जाता है और जगह पे पुलिस ने उनको एनकाउंटर कर दिया है। क्यों? इनको एनकाउंटर करने के बाद पब्लिक बहुत खुश हो जाता है, यार ये रेपिस्ट को मर्डर कर दिया, ये हो गया वो हो गया। लेकिन आप जरा सोचो, वो 4 लोगों को रेप के केस में पकड़ के एनकाउंटर किया, अभी ये हो सकता है उनके पीछे किसी और का हाथ है, पुलिस को कहीं और ने बहुत सारा पैसा दिया, उनको मर्डर कर दो और उनके नाम के रेप का केस वहीं पर रफा दफा हो जाएगा।
वो लोग पकड़ा गया होता तो हो सकता है उनके पीछे और किसी का हाथ है, और किसी का हाथ है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आता था, इन्वॉल्व होता था और वो केस आगे तक जाता था सही तरीके से सॉल्व होने का अपना चांस था। ये भी एक पुलिस गलत काम किया, तो पुलिस सही तरीके से अपना काम नहीं कर रहा है। भाई साहब, ये एक पुलिस ऑफिसर है और इनका कहना है कि समाज में कितना रेप हो रहा है, क्या हो रहा है, समाज किधर जा रहा है, इन सब का ठेका हमने नहीं लेके रखा। आप खुद ही सुन लो, समाज किस तरफ जा रहा है ये पुलिस ने अकेला ने ठेका नहीं लिया। मैं क्लियरली बताता हूँ समाज किस तरफ जा रहा है, समाज में कुछ दरिंदे लोगों का क्या सोच है, एक महिला को देख के वो क्या सोच रखते, उसका मैंने ठेका नहीं लिया, ठीक है ना, मैंने ठेका नहीं लिया। अगर एक पुलिस ऑफिसर ऐसा कह रहा है तो कुछ सोच समझ के कह रहा है, क्या वजह से कह रहा है, किस लिए कह रहा है, किसके तरफ इशारा कर रहा है और किसका किसका जिम्मेदारी होना चाहिए, वो आप लोग जरा सोचो और समझो। बाबू ये जो बंदा भाग रहा था ये पुलिस अधिकारी है, ये ASI है। ये बंदा ऐसे भाग रहा है जैसे ये क्राइम में 100% इन्वॉल्व है। इसको देख के ऐसे लग नहीं रहा है कि ये एक पुलिस ऑफिसर है। इसका शक्ल देखो, इसका एक्सप्रेशन देखो, देख के ऐसे फील हो रहा है ये कोई एक बहुत गंदा इंसान है, नशे में पूरा इसका फेस सूजा हुआ है और इनके एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है कि ये इसको अगर न्यूज वाला ने पकड़ लिया तो ऐसा कुछ इसकी जबान से निकल जाएगा जो बहुत गलत हो सकता है उसके लिए। वो ऐसे जान बचा के बाहर, तो ये सब चीज अगर डिटेल में देखा जाए तो 100% भाई पुलिस कुछ हद तक चल जाएगा। नंबर दो पे मैं बात करना चाहूंगा हमारे देश का पॉलिटिशियन जो खास करके रूलिंग पार्टी में बैठा हुआ है। हाँ गाइस, मुझे जहां तक लगता है हमारे समाज में इतना ज्यादा क्राइम हो रहा है, ये रेप केसेस हो रहा है, बड़े बड़े गलत काम हो रहा है, इन सब चीजों में सबसे ज्यादा जिसका हाथ है वो है हमारे देश का पॉलिटिशियन। गाइस देखो, हमारे संसद में जितना भी बड़े बड़े नेता बैठे हुए कोई भी पार्टी का होना क्यों, उसमें से आपको 46% ये मिल जाएगा जिनके नाम पे बड़े बड़े क्राइम केसेस है, जिनके नाम पे रेप का केसेस है, ऐसा वाला नेता मिल जाएगा। 21 मानों का गैंग रेप, ये सबको पता है, 2000 के आसपास उसकी बेटी को मार दिया गया है, 7 शायद और लोगों को मार दिया गया है, उसकी फैमिली के 14 लोगों को। सो गैंग रेप विद मास मर्डर, इस केस को गुजरात में चला नहीं पाई सरकार, वहाँ एटमॉस्फेयर खराब था, महाराष्ट्र में चलाया गया, इसमें 11 लोगों को आजीवन कारावास हुई। पिछले साल ये सुनने में आया उनको माफ कर दिया गया, जितनी सजा भुगती अब उनको छोड़ दिया गया, वो आरोपी बाहर निकल रहे हैं जेल से तो उनको हार पहनाए जा रहे हैं। CBI के जिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेट किया था उसने भी अपोज किया था, फिर भी गुजरात सरकार ने छोड़ दिया। सबको डर क्यों लगा था इस केस में? लोग क्यों डरा रहे थे? तो तुम रिटायर हो। दूसरा, ये टाइम हिंदुत्व का राज है, महिला तो मुस्लिम है, हमारे अगेंस्ट आ जाएंगे ये सारे रिलीजियस। सो गाइस, ये वीडियो देख के आप लोगों को क्या समझ में आया? अगर हमारा देश का नेता लोग कोई रेपिस्ट को जेल से निकाल के उसको माला पहनाए और उसके नाम पे वाहवाही करे तो फिर देश में ऐसा केस तो नॉर्मल बातें हो जाएगा, इजी हो जाएगा लोगों के लिए कि यार चलो जो करना है करो, जहाँ पे रेप करना है करो, जिसके साथ जो गलत करना है करो, नेता है मेरे पीछे वो मुझे छुड़ा के लाए, तो ऐसे केस देश में होते रहेगा। अभी जो केस हुआ हमारा बंगाल में, उसमें देखो उसका जो उस कॉलेज का जो मेन प्रिंसिपल है उनका नाम कुछ संदीप घोष, कहा जा रहा है कि ये बहुत करप्टेड बंदा है, इसके नाम पे बहुत सारा क्राइम है, पहले भी इसके लिए पहले भी बहुत बार कंप्लेन हुआ, इसको कंप्लेन की वजह से इसको वहां से बर्खास्त ना करके हमारा गवर्नमेंट उसको फिर से उसी कॉलेज का मेन प्रिंसिपल बना दिया। और ये भी बोला जा रहा है कि हमारा दीदी के साथ उसका बहुत बड़ा कनेक्ट है, लिंक है। मेरी तो और फिर आसबे ना, और नामे यदि आपनारा किछु करते चान करते पारेन, जा टाका लागबे आमि देबो। ममता दीदी इस वीडियो में ये कह रही है कि लड़की तो और वापस नहीं आएगी, उसके नाम पे अगर आप लोग कुछ करना चाहते हो तो करो, जितना पैसा लगेगा मैं दूंगी, 10 लाख तो दे ही सकती हो, ऐसे कह रही है हमारा जो राज्य है, इस राज्य के CM। आप सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, ये खुद एक औरत होके ऐसे कह रही है कि मतलब इसके कहने का मतलब यही हो गया ना कि भाई रेप हुआ, जो भी हुआ होने दो, जाने दो, टेंशन मत लो, केस को रफा दफा करो, इतना हंगामा मत करो, इतना प्रोटेस्ट मत करो, जितना पैसा लगे मैं देता हूं, मतलब 10 लाख मैं दे ही सकती हूँ, कुछ पैसा लेके आप लोग का शांत हो जाओ। तो ये पॉलिटिशियन जो लोग हैं, इनका थॉट ऐसा है, इनका सोच ऐसा है, तो इनसे क्या उम्मीद कर सकते हो? हर कोई यही कह रहा है कि ममता दीदी विक्टिम को बचाने की कोशिश कर रहा है,
ये आरजे कौर मेडिकल कॉलेज का मेन जो प्रिंसिपल है संदीप घोष, इसको ममता दीदी ने इससे पहले भी कई बार बचाया, दुर्व्यवहार किया था उन्होंने कुछ सिस्टर लोगों के साथ, और करप्शन का भी मामला था, करप्शन का मामला था, फिर दोबारा स्टेट जो है इनको नेशनल उसी कॉलेज में भेज करके, हाँ, प्रमोशन दे के वाइस प्रिंसिपल से आरजीकर में प्रिंसिपल बनाया, फिर आरजीकर से इनको नेशनल मेडिकल कॉलेज में। क्या मजाक चल रहा है वेस्ट बंगाल के अंदर, समझ में नहीं आता। ममता दीदी अब खुद ये कह रही है कि मैं प्रोटेस्ट पे उतरूंगी, हमारा पार्टी रोड पे उतरेगी और हमारा पार्टी प्रोटेस्ट करेगा जस्टिस के लिए, हमें जस्टिस चाहिए। ये कौन सी बात हुई भाई, अभी जो भी बंगाल का लोग है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं आपके खिलाफ, गवर्नमेंट हमारा गलत कर रहा है, हमारा ममता दीदी गलत कर रहे हैं, हमें जस्टिस चाहिए, तो आपके खिलाफ पब्लिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी आप किसके खिलाफ प्रोटेस्ट करोगे, किससे जस्टिस चाहिए आपको? आप यहाँ का पुलिस मंत्री हो, आप यहाँ का गवर्नमेंट हो, आपके इशारे में हर चीज हो रहा है, तो आप किससे जस्टिस मांगोगे? कल को जाके सुप्रीम कोर्ट ये कह देंगे हम रोड पे आ जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, हमें जस्टिस चाहिए, ये बात हुई कोई? देखो हमारा बीजेपी सरकार जो है वो ये कहता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा के जितना भी रेपिस्ट है, जितना भी क्रिमिनल्स है, उनको अपना पार्टी में भर के रखता है, अपना पार्टी में जगह दे देता है, कोई रेपिस्ट है कोई क्रिमिनल है उनको अपना पार्टी में लाते हैं और पूरा धूल डाल के वॉशिंग मशीन में डाल के शुद्ध कर देते हैं। देखो अभी अभी एक साल पहले हमारा कंट्री में ये चल रहा था कि हिजाब, हिजाब के खिलाफ बहुत सारा वो चल रहा था, हंगामा चल रहा था कि हिजाब पहन के स्कूल नहीं जा सकते हो, हिजाब पहन के कॉलेज नहीं जा सकते हो। अरे भाई अगर कोई एक लड़की अपना हिजाब में अपने आप को कंफर्टेबल फील करे, अगर कोई एक लड़की अपना हिजाब में खुद को प्रोटेक्टिव फील करे, तो आप कौन होते हो उसके शक्ल से हिजाब उतारने वाला? आप लोग ये चाहते हो कि हिजाब एक मुस्लिम चीज है, तो इन चीज का मुद्दा उठाएंगे तो हिंदू मुस्लिम एक वो सृष्टि होगा समाज में, एक हिंदू मुस्लिम का बात आएगा, आप हर चीज में चाहते हो हिंदू मुस्लिम करके बाकी चीजों को ठप कर दो। ये नहीं चाहते हो आप लोग कि चलो कोई एक रेप हुआ तो क्यों हुआ, इसके अगेंस्ट में कोई एक्शन लो, ये नहीं होना चाहिए समाज में, ये बहुत गलत चीज है। आप सोच सकते हो इंडिया में हर दिन 86 रेप का केसेस हो रहा है, जो तो ऐसे बहुत सारे चीजें, ये चीजों को देख के मुझे ये फील होता है कि हमारा जो पॉलिटिशियन है, हमारा जो गवर्नमेंट है, हमारा जो रूलिंग में बैठे हुए है, ये लोग बहुत ज्यादा जिम्मेदार है, ये लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जाता है हमारा कंट्री में, हमारा देश में ऐसे गंदे काम होने के पीछे, ये मुझे जहां तक लगता है। अभी आप लोगों को अगर लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, कोई और ज्यादा जिम्मेदार है, तो आप लोग प्लीज कमेंट में बताना। और सबसे लास्ट में मैं बात करना चाहूंगा हमारा सोसाइटी का, जितना भी पब्लिक है, मैं आप ऐसे जितना भी पब्लिक है, इन पब्लिकों का कुछ हद तक हम भी जिम्मेदार हैं, हम पब्लिक भी जिम्मेदार हैं। क्यों? देखो हम लोग ही ये जानने के बाद भी कि ये जो नेता है करप्टेड है, ये क्रिमिनल्स है, ये रेपिस्ट है, ये सब कुछ जानते हुए भी उनको वोट देके जिता के हम लोग वहां पे बिठा देते कि आप देश को संभालो, तो ये हमारा सबसे मेन गलती है, सबसे पहला गलती है। दूसरी गलती है नेता लोग हम लोगों को ये बोल के लड़ाते हैं, हिंदू मुस्लिम बोल के हमें लड़ा देते हैं, हम लोग लड़ जाते हैं। नेता लोग हमें ये बताते हैं कि यार वो मुस्लिम की बेटी है, अच्छा उसके साथ ये हुआ, चलो हिंदू लोग थोड़ा साइड हो जाओ, तो साइड हो जाते भाई, ये हिंदू की बेटी है, नेता लोग ये कहते हैं भाई हिंदू की बेटी, हम मुस्लिम का क्या करना है, तो हम मुस्लिम लोग, कुछ लोग तो ऐसे होता है जो लोग साइड हो जाता है। ये अभी ये जो हिजाब वाला बात हम लोगों से किया, इस बात को लेके कितना ऐसे हिंदू लोग थे जो लोग भाई रोड पे आ गया था कि हमें नहीं, अरे भाई तुम्हें क्या मतलब है, किसी और की बेटी अगर हिजाब पहन के रहना चाहती है तो तुमसे क्या, तुम्हारी क्या पिछवाड़ा में आग लग रहा है भाई। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे थे कि नहीं हिजाब पहन के कॉलेज में नहीं आ सकता, हिजाब पहन के स्कूल में नहीं आ सकता, अरे भाई तुम्हारा बाप का क्या है, तुम किसी और की बेटियों को क्यों हिजाब उतारना चाहते हो, कपड़ा उतारना चाहते हो, तो ये हमारा सबसे बड़ा गलती है। हमें हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ा देते, हम लड़ जाते। हमारे समाज में आजकल न्यूडिटी को, नंगेपन को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है जाने अनजाने में। देखो आप अभी इंस्टाग्राम खोलो, फेसबुक खोलो, आपको स्टार्टिंग में दिख जाएगा कोई एक लड़की छोटा सा एक स्कर्ट पहन के, ड्रेस पहन के या ब्रा पहन के डांस करते हुए, ये भी गलत है। देखो एक रेपिस्ट है ना, जो आपको इस हालत में देखने के बाद उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट स्टार्ट हो जाता है, लड़की को
आप अगर सही कपड़े में रखोगे तो ही वो देखने में खूबसूरत लगती है। एक लड़की को आप एक छोटा कपड़े में नंगा करके अगर लोगों के सामने लेके आओगे तो लोगों का नजर खराब होगा, लोगों का दिमाग में कुछ गलत चीजें जाएगा, लोगों के दिमाग में गलत इंटेंशन आएगा। तो ये भी मेरे हिसाब से बहुत एक गलत चीजें है जो सोसाइटी में चल रहा है, वो नहीं चलना चाहिए। समाज को सही करने के लिए हमें खुद को सोचना पड़ेगा, खुद को कुछ करना पड़ेगा। देखो गाइस, सबसे पहली बात तो यह है कि हम लोग इस समाज को चलाने के लिए जिनको मेन गद्दी पे बिठा देना, जो मेन चेयर पे बिठाते, उस टाइम हमें सोचना पड़ेगा कि ये बंदा को हम अगर चेयर पे बिठा रहे तो सच में ये इस चेयर का लायक है। हम लोग देखो एक किलो राइस खरीदने के लिए भी सोचता है कि पांच जगह पे पूछते भाई रेट सही है, ये सही है ना, सही राइस बनेगा ना, ये अच्छा तो है ना, ये गंदा तो नहीं है ना, ये बहुत सारे सवाल कर लेते हैं। और हम लोग का वोट डाल के पांच साल के लिए एक जैसे प्रधानमंत्री हो गया, सीएम हो गया, या कोई भी हो गया, गाँव का एक मेंबर भी हो गया, पंचायत मेंबर भी हो गया, उनको चुनते टाइम हम लोग नहीं सोचते भाई, हम लोग जाके चलो ये मेरा चाचा है इनको वोट डालते, वो मेरा मुस्लिम है उनको वोट डालते, वो मेरा हिंदू है उनको वोट डालते, ऐसे नहीं है भाई। उनको हम समाज में बिठा रहे हैं हिंदू मुस्लिम के लिए, बाकी पूरा समाज के लिए काम करने के लिए। तो वहां पे एक सही इंसान को बैठाना बहुत जरूरी है। तो इन सब चीजों को देख के मुझे लगता है कुछ हद तक हम खुद, हमारा समाज का पब्लिक भी जिम्मेदार है समाज में रेप्स होने में। चौथा नंबर पे मैं बात करना चाहूंगा हमारे देश के कानून व्यवस्था पे। हाँ गाइस, देखो हमारे देश के कानून में अगर कोई भी केस आता है ना तो उस केस का फाइनल सुनवाई होने में, किसी केस में 10 साल लग जाता है, किसी केस में 5 साल लग जाता है, किसी केस में 20-20 साल लग जाता है। यार ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रेप केस में तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। रेप केस में जितना जल्दी हो सके विक्टिम को सजा मिलना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि उसको फंसी हो रहा है तो एक रूम के अंदर हो, नहीं, उसका फंसी अगर हो तो चौराहे में होना चाहिए, लाखों लोगों के बीच में होना चाहिए। और उसको फंसी देने के बाद उसी चौराहे में उसको 3 दिन 4 दिन 5 दिन उसका बॉडी को टांग के रखना चाहिए। तो वहां से जितना भी लोग देखेगा सबको समझ में आएगा कि भाई अगर मैंने ऐसा कुछ गलती कर लिया, मेरे साथ ऐसा कुछ गलती हो गया तो मेरे साथ भी यही हालत होगा, मुझे भी ऐसे मार के फांसी में लटका के इधर रोड पे 4 दिन 5 दिन रखा जाएगा। तो ऐसे होना चाहिए। ये सब चीज को देख के मुझे ये फील होता है कि भाई कुछ हद तक हमारा देश का जो कानून व्यवस्था है वो भी जिम्मेदारी है। तो गाइस पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोगों को क्या लगता है, मैंने जिन जिन को जिम्मेदार ठहराया क्या सच में वो लोग जिम्मेदार है? अगर है तो भी कमेंट में बताओ, नहीं है तो भी कमेंट में बताओ। और आप लोग खुद से सोच के कमेंट में बताओ इनमें से कौन सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, और आपको क्या करना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं हम लोग। और बाकी इतना ही है गाइस।